हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट डेटा एंट्री फॉर्म। डेटा एंट्री का फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कैसे बना सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि डेटा एंट्री करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड तैयार किया है, जैसे कि नेम का, एज का, मार्क्स का, और क्या सिटी, और देन क्या स्टेट का। ठीक है, तो आइए अब आपको शुरुआत करके बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कुछ इसी तरीके से आपको डेटा को राइट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने हेडिंग बना रखी है इसे ही, ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह का मैंने कलर इसमें दिया है, बस मैं इसे पूरा का पूरा सेलेक्ट करूँगा ऐसे। ये देखिए, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्म का यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पे डेटा को एंट्री कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे फॉर्म को ओपन कर रखा है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं फॉर्म को कैसे चालू किया है ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले एंट्री करना आप देख लो, बस मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक मैसेज मुझे इस तरह का देगा। ठीक है, आपको जस्ट ओके वाली बटन पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको डाटा एंट्री का फॉर्म भरने के लिए या फिर डेटा एंट्री करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से ओपन हो जाता है। क्या है यहाँ पे देखो, नेम, एज, मार्क्स और सिटी, और क्या स्टेट। अब जो कोई भी डेटा यहाँ पे आप पुट करते हो उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने व्यक्ति का नाम यहाँ पे राम लिखा इस तरीके से, ओके। मैंने एज उसकी लिख लिया यहाँ से, इसके नंबर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इसकी सिटी मैंने यहाँ पर क्या किया ऐसे डाल दिया, और यहाँ पर मैंने इसकी स्टेट को क्या किया ऐसे डाल दिया। ये देख सकते हो, अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है नीचे, देख सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यह डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने क्लिक किया अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे डेटा देखो इनपुट यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल ही। देख लो आप, यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग मैंने नहीं किया था, इसलिए आपको टेक्स्ट छोटा दिख रहा है। देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी तो अगर जितना भी आपको एंट्री करना है यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। मैं एक बार फिर से इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग को बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, जैसे साइज़ छोटी थी, आप इसे सेंटर कर सकते हो आप ऐसे, और यहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हो। तो आप देख लो, यहाँ पे जो मैंने एंट्री डाली थी वह एंट्री को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, साथ में मैंने इसको यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे दिया, जिसकी वजह से टेक्स्ट आपको बड़ा दिख रहा है। ओके, अच्छा, मैं फिर से एंट्री को करूँगा। तो एंट्री करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जिसकी भी एंट्री आपको करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे अभी। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे जाना है, और क्विक एक्सेस टूल बार पे जाने के बाद कहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉर्म पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ये देखिए फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। अब आप यहाँ से न्यू एंट्री को यहाँ पे डाल सकते हो। न्यू एंट्री करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होगा, और फिर यहाँ से आप एक लड़के का नाम, जैसे राम डाला था, इस बार मैं श्याम डाल देता हूँ। तो ये देखिए SHYAM श्याम डाल दिया, उसकी उम्र यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके नंबर यहाँ पर ऐसे पुट कर दूँगा, यहाँ पर उसकी सिटी ऐसे डाल दूँगा, और यहाँ पर उसका स्टेट यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया मैंने यहाँ पर। बस इतना ही करने के बाद न्यू पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पर जो एंट्री मैंने अभी डाली थी, न्यू पे क्लिक किया है, तो यह एंट्री यहाँ पे नीचे पड़ चुकी होगी। आप ध्यान से देख लो, अब मैं इसे नीचे कर देता हूँ। ये देखिएगा आप, यहाँ पे दो लोग की एंट्री यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। जैसे कि आपको मैं एक और एंट्री डाल के यहाँ पे क्या करता हूँ दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, और जस्ट यहाँ पे उसका एज डाल देता हूँ ऐसे। एज डालने के बाद मैं उसका नंबर यहाँ पे क्या करूँगा डाल दूँगा ऐसे, नंबर जो भी डालना है डाल दो, सिटी में जो यूज करना चाहते हो यूज करो, और जो आपको स्टेट लिखना है जस्ट न्यू पे क्लिक करना है। तीसरी भी एंट्री देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपकी पड़ चुकी है, यहाँ पे देखो अंकित यहाँ पे, और ये सारा डिटेल आपका यहाँ पे पड़ चुका है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। अब आइए आप बताते हैं कि कैसे आप इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देख लो यहाँ पे एक सेपरेट पेज ले लिया है। कैसे मैंने इसे बनाया होगा ये देखिए आप यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको इसको चालू करना आना चाहिए कि ये कहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड होगा। तो ध्यान दीजिए, क्विक एक्सेस टूल बार के किसी के
किसी भी टूल बार के ऊपर राइट बटन को क्लिक करना है और ध्यान दीजिए मोर कमांड वाली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है और ऑल कमांड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑल कमांड पे क्लिक करोगे तो सारी कमांड इसमें आ जाएंगी। अब आपको क्या उसमें ढूंढना है, फॉर्म, तो यहाँ से जल इसको प्रेस करते जाओ, फॉर्म यहाँ से देखते जाओ। और आपको बता दूँ यहाँ पर फॉर्म जो है ना आपका यहाँ पर इसी में आपको फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन दिया है, जस्ट इसी को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है ऐसे, और ऐड कर देंगे। देखो मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, तो ऐसे दिया, तो आपको बस इसके बाद ओके वाली बटन पे आपको क्लिक ही करना है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म टूल बार को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब एंट्री कैसे करना था ये देखो, जैसे इस तरह का आपने टेक्स्ट राइट कर लिया तो टेक्स्ट को सबसे पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और बस फॉर्म पे क्लिक ही करना है। क्लिक करोगे तो एक मैसेज आएगा, आपको ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे तो देखोगे कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जिसकी भी एंट्री आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, आप उसकी एंट्री यहाँ पर क्या करो, ऐसे एज वगैरह डाल के ऐसे एंट्री कर सकते हो। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखो जस्ट न्यू पे क्लिक करूँगा, एंट्री नीचे यहाँ पे पड़ जाएगी। देख सकते हो कि एंट्री यहाँ पे पड़ चुकी है, यही एंट्री मैंने यहाँ पे डाली थी, ये एंट्री आपके सामने यहाँ पे पड़ गई है। ओके, सो आई होप आप लोगों को फॉर्म ऑप्शंस के बारे में समझ में आया होगा और फॉर्म ऑप्शन के द्वारा कैसे आप यहाँ पे डेटा एंट्री का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वो समझ में आ चुका होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।